हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई जबरदस्त वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आज की वीडियो दोस्तों इसलिए ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि मैं आपके साथ कुछ ऐसा सेटअप शेयर करना चाहता हूँ जिसको मैं पर्सनली, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी उसके बाद जब कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करना स्टार्ट किया, जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट स्टार्ट किया मैंने, वो इस तरीके से, इस सेटअप से आप किसी भी तरीके से कह सकते हो कि मैंने यहाँ से अपनी एक जर्नी नए तरीके से स्टार्ट की थी। जी हाँ दोस्तों, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, देखो आप लोगों का मेरे को पता नहीं है, पर मैंने फर्स्ट डे ही मार्केट में आके लॉस किया। जी हाँ दोस्तों, पहले दिन से मुझे मार्केट में लॉस हुआ था। मार्केट मुझे छोटे छोटे प्रॉफिट मिले, कोई बात नहीं, पर जो रेगुलर बेसिस पे मुझे मार्केट से मिला, वो मिला फेस करने को लॉस। मार्केट में टोटली मेरे को लॉस हो रहा था, और लॉस होने के साथ साथ दोस्तों एक दिन प्रॉफिट होता था पर उसके अगेंस्ट कंटिन्यूअस 4 दिन बाकी के हफ्ते के लॉस होता था। लॉस 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 लॉस, डे बाई डे लॉस होता था। फिर मेरे को किसी ने बताया कि ट्रेडिंग करने से पहले तुम्हें सीखना चाहिए ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग में लर्निंग इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसकी तरफ बढ़ा। फिर मैंने ध्यान दिया लर्निंग पे, मैं चला गया लर्निंग की साइड। लर्निंग में भी दोस्तों इतनी खिचड़ी पकी, आप पूछ नहीं, आप जान नहीं पाओगे। लर्निंग में इतनी खिचड़ी पकी दोस्तों, कोई कहता था, कोई मिलता था, बोलता था आप प्राइजेक्शन सीखो, प्राइजेक्शन सीख के आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। प्राइजेक्शन सीखने लग गया, कई महीने लगातार सीखा, प्राइजेक्शन आ गया कंप्लीटली। पर उसके बाद भी क्या मिला मेरे को दोस्तों, उसके बाद भी मिला मेरे को लॉस। चलो, प्राइजेक्शन सीखने के बाद किसी ने कहा कैंडल स्टिक पैटर्न सीख लो। हमने कैंडल स्टिक पैटर्न सीख लिए, वहाँ पे ये डोजी है, ये हैमर है, ये इंगल्फिंग है, ठीक है, ये बुलिश इंगल्फिंग है, ये बेयरिश इंगल्फिंग है, ये शूटिंग स्टार है, फलाना है, वगैरह वगैरह। हमने कैंडल स्टिक भी डन कर लिया, प्राइजेक्शन हमारा डन हो गया, कैंडल स्टिक हमारा डन हो गया। फिर कोई मिला, वो बोलता है आप ऑप्शन चेन ट्रेडिंग करनी सीख लो। चलिए कोई बात नहीं, जहाँ यहाँ तक हमने प्राइजेक्शन सीखा, ऑप्शन सीख लेंगे ऑप्शन चेन। हमने ऑप्शन चेन सीखना स्टार्ट किया दोस्तों। ऑप्शन चेन सीखते 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 लॉस हो रहा था कंटिन्यूअस मार्केट में, ना किसी का प्राइजेक्शन काम आ रहा था और ना ही आ रहा था हमारा कैंडल स्टिक का। ऑप्शन चेन सीखने गए, ऑप्शन चेन सीखने के पैसे नहीं बचे, कहाँ से करें, फ्री कोई कराता नहीं है, चलिए यूट्यूब से सीखते हैं। कोई कहता था इस तरीके से ऑप्शन चेन सीखोगे तो आप कल से ही मार्केट में प्रॉफिटेबल हो जाओगे, इस तरीके से ऑप्शन चेन सीखोगे तो कल से प्रॉफिटेबल हो जाओगे या एक हफ्ते में हो जाओगे। ऐसे करते करते धीरे धीरे दोस्तों लॉस हो गया। फिर मैं रुक गया, फिर मैंने सोचा कि जब मार्केट को मैं लॉस कर रहा हूँ तो कोई प्रॉफिट भी कर रहा हूँ, जब मैं लॉस कर रहा हूँ तो मेरा पैसा जो आ रहा है वो मार्केट से तो आ रहा है, या कोई दूसरा बंदा बांट तो रहा नहीं है, वो पैसा मेरे को किसी और से आ रहा होगा जो लॉस कर रहा होगा, या जो प्रॉफिट कर रहा होगा मेरा लॉस उसके पास जा रहा होगा। तो मैंने जाना कि दोस्तों वहाँ पे होता क्या है कि जब आप लोग ट्रेड करते हो, ठीक है, वहाँ पे एक बंदा ट्रेड कर रहा है, ठीक है, एक सपोज कीजिए आप बाय कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कोई सेल भी कर रहा है। अगर आप कोई चीज़ बाय कर रहे हो तो वहाँ पे आपको एक सेलर मिलना जरूरी है, अगर आपको वहाँ पे सेलर नहीं मिलेगा तो आप वहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाओगे, आपका ऑर्डर पेंडिंग में ही पड़ा रहेगा या आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, फिर ठीक है कोई बात नहीं, हमने यहाँ तक सीखा, चलिए अच्छी बात है, हमने सीखा जहाँ तक भी सीखा। धीरे धीरे करके मेरे को समझ में आया कि मार्केट में दो तरीके के लोग काम करते हैं, पहले जो रिटेलर होते हैं, ठीक है, जो हम हैं, और दूसरे होते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर बोल लो या बिग मनी बोल लो, ठीक है, या वहाँ पे उनको बिग मनी भी बोल सकते हो, या आप ऑपरेटर बोल लो जो मार्केट को चला रहे हैं अपने हिसाब से। जो हम लॉस कर रहे हैं वो ऑपरेटर की जेब में प्रॉफिट बन के जा रहा है, सिंपल दोस्तों। कोई और प्रॉफिट नहीं कर रहा है, प्रॉफिट कर रहे हैं ऑपरेटर्स। रिटेलर 90% लॉस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम रिटेलर
90% करते हैं क्या दोस्तों, लॉस। ठीक है, और जो ऑपरेटर होते हैं वो जो 10% ऑपरेटर है वो करते हैं जितना रिटेलर का लॉस है उसको टोटली मिला के वो उतना प्रॉफिट करते हैं और उसको अपने घर लेकर जाते हैं। यहाँ दोस्तों यह फंडा बहुत दिनों में समझ में आया कि ऑपरेटर क्या है और रिटेलर क्या है। रिटेलर हो गए हम, आए मॉर्निंग में पहले ट्रेड में प्रॉफिट मिल गया, एंड ऑफ द डे क्या लेके जा रहे हो, कैपिटल का हाफ, कैपिटल का हाफ। जी हाँ दोस्तों, ऐसा सीन होता था कि आए थे 10 लाख रुपए लेकर या आए थे 5 लाख रुपए लेकर, और डे के डे में 5 में से 1 रह गया, 2 रह गया, 10 में से 3 रह गए, मुश्किल से बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे हमें जब समझ में आया कि रिटेलर और ऑपरेटर का गेम क्या है, तो वहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि रिटेलर को ऑपरेटर करते हैं लालच दे के ट्रैप। लालच, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमें लालच दिया जाता है और लालच दे के क्या किया जाता है, ट्रैप। पहले हमें लुभाते हैं, हमको एक छोटा सा टुकड़ा देते हैं और उसके बाद दिखाते हैं अपना असली रंग और हमारे अंदर तक का सब कुछ निकाल के ले जाते हैं। यही है दोस्तों ऑपरेटर का ट्रैप। आज जो वीडियो हमारी होने वाली है वो होने वाली है हमारी ऑपरेटर के ट्रैप को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या कैसे हमें ऑपरेटर ट्रैप करके पैसा बनाता है या रिटेलर से लॉस कराता है या रिटेलर का पैसा लूट कर लेकर जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मार्केट में देखो मार्केट काम करती है, ठीक है। ऑपरेटर कहाँ पे मिलेगा आपको और कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपली और डीपली आपको समझने को मिलेगा है दोस्तों। सिंपली आपको इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम इस तरीके से समझाएंगे कि आपको वहाँ पे देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कभी भी चार्ट को देखोगे, चार्ट को दोस्त बना लो दोस्तों, चार्ट को दोस्त बना लोगे तो ये आपको भरपूर पैसा देगा। अगर आप चार्ट को दोस्त नहीं बनाओगे तो ये आपको वहाँ पे लॉस देगा। ठीक है, अब आप देखोगे दोस्तों मार्केट में रिटेलर कैसे काम करते हैं और ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। रिटेलर होते हैं सेंटिमेंटली काम करने वाले, देख कर काम करने वाले, जो दिख रहा है उसको काम करने वाले। और ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर खेलते हैं सेंटिमेंट से एक रिटेलर के या बिगिनर के, जो भी आप समझ लो। ठीक है, मेरे मन से खेल रहे हैं ऑपरेटर, अगर मैं जान जाऊं कि ऑपरेटर यहाँ पे क्या चाहते हैं तो मैं वहां पे अपना पैसा बचाने के साथ साथ वहां पे एक बड़ा प्रॉफिट साथ में लेकर जा सकता हूँ। जो ऑपरेटर की मनी लगी हुई है, हम लगाते हैं 5 से 10 लाख रुपए, ठीक है, या मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए, ठीक है, 1 CR हो गया या 10 CR हो गया मैक्सिमम, 10 CR में मैक्सिमम बोल रहा हूँ दोस्तों। और रिटेलर जो बिग मनी का पैसा होता है वो होता है 10,000 CR, 15,000 CR, ऐसे वहाँ पे जो बिग मनी होती है वो मार्केट में पैसा डालते हैं। अब हम वहाँ पे सोचते हैं अपना पैसा लगा के 1 लाख 2 लाख रुपए लगा के, हम वहाँ पे सोचते हैं कि हमारा 2 लाख से 50,000 बन जाए प्रॉफिट का, या 5 लाख से मेरा 70,000 प्रॉफिट बन जाए। ठीक है, ये मेरा 10 लाख का कैपिटल है, मैंने डिप्लॉय किया, मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट मिल जाए, मैं वहाँ पे मार्केट से एग्जिट कर जाऊँगा। क्या ऑपरेटर भी ये सोचता है दोस्तों? जी नहीं। क्या वो 10,000 करोड़ रुपए लगा के मार्केट से 1 लाख रुपए लेके जाएगा? नहीं दोस्तों, वो वहां पे आपका कम से कम, अगर वो 10,000 करोड़ रुपए लगा रहा है मार्केट में, ठीक है, तो वहां पे आपका कम से कम मान के चलो कि वो हाफ 10,000 करोड़ लगा के कम से कम 5,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट निकाल के जाएगा। ये 5,000 करोड़ जो रुपए निकले हैं वो निकले हैं रिटेलर की जेब से, वो लॉस किया है रिटेलर ने। वो लॉस कैसे किया है दोस्तों, और ये बिग मनी होते कौन है, आप कैसे देख पाओगे कि बिग मनी कर क्या रहा है या होते कौन है, ये कहाँ से आते हैं क्या करते हैं, उस चीज़ को समझने के लिए दोस्तों वीडियो में बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना, बहुत डीपली समझाने वाले हैं, कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो के बाद जो आपका मार्केट को देखने का नज़रिया होगा वो पूरे तरीके से बदल जाएगा, टोटली चेंज हो जाएगा आपका माइंड कि कैसे है आपने ये चीज़ें लाइव मार्केट में फेस की है,
आज मैं बता दूंगा आपको, फिर आप रिवाइंड कीजिएगा अपने मन में बैठ के शांति से, तो आप वहाँ पे देखोगे कैसे मेरे साथ ऐसा ही सेम हुआ है। ठीक है, मैं पहले बताता हूँ दोस्तों, ऑपरेटर होते कौन है। ऑपरेटर में आते दोस्तों हमारे FII और हमारे DII। ठीक है, ये हमारे ऑपरेटर होते हैं, ये मार्केट में बड़ा पैसा लेकर आते हैं और रिटेलर की जेब खाली करके लेकर जाते हैं। रिटेलर हो जाता है यहाँ पे जीरो। ठीक है, बट इस वीडियो के बाद अगर आप एज अ रिटेलर अभी तक लॉस कर रहे थे मार्केट में, और आप इस वीडियो को देखने के बाद आप ऑपरेटर के साथ अपना प्रॉफिट ट्रेल करोगे, और 80-90% आप जो ऑपरेटर की पोजीशन होती है उसको क्रैक कर पाओगे, या जो ऑपरेटर डायरेक्शन पकड़ने वाला है, बनाने वाला है, आप उस साइड ट्रेड कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं कैसे कि काम करता है। देखो दोस्तों, आप यहाँ पे चार्ट पे देख पा रहे होंगे, पहले मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ मार्केट में ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। ऑपरेटर पहले क्या करेगा, प्राइस को एक सपोर्ट के पास लाएगा। ठीक है, ये हमारा प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ऑपरेटर ने बाइंग की, ऑपरेटर बाइंग करके यहाँ से प्राइस को ऊपर ले गया। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटर ने सेलिंग कर, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया और फिर से प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, अब हमारे रिटेलर ने सीखा क्या है, मैंने सीखा क्या है, जो मैं बता रहा था आपको प्रोजेक्शन क्या सीखा है, पैटर्न क्या सीखे है, वो कहता है मार्केट एक बार नीचे आई है, जहाँ से बाइंग आई थी वहाँ से दोबारा बाइंग आई। ऑपरेटर भी सेम यही करेगा, ऑपरेटर यहाँ से बाइंग करेगा और रिटेलर के साथ मार्केट को ऊपर लेकर जाएगा। ठीक है, ऊपर लेके गया, अब यहाँ पे क्या करेगा, रिटेलर डबल टॉप बन चुका है। मेरी भी थिंकिंग यही है, आपकी भी यही है। ठीक है, मैंने भी यहाँ पे क्या किया, डबल टॉप बन चुका है, अब तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा और यहाँ पे अपना दोबारा से सेल करूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सेल किया मार्केट ने, इसके बाद अब यहाँ पे क्या आता है, अब दोबारा से बॉटम के पास आ गई, हम यहाँ से बाइंग करेंगे। बाइंग करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हम बाइंग करेंगे यहाँ से, हमने बाइंग की, ऑपरेटर ने भी यहाँ पे बाइंग की। ठीक है, ऑपरेटर ने जैसे ही यहाँ पे बाइंग की तो यहाँ पे रिटेलर ने भी बाइंग की। रिटेलर क्या किया, यहाँ पे प्राइस को ले गया। अब रिटेलर क्या सोच रहा है, यहाँ पे जैसे प्राइस ने ऊपर की तरफ निकाला, रिटेलर खुश हो गया कि अब ये ब्रेकआउट करेगा प्राइस यहाँ पे। ठीक है, रिटेलर खुश हो गया यहाँ पे कि प्राइस हमारा ब्रेकआउट करेगा, बट ऑपरेटर क्या चाहता है, ऑपरेटर को चाहिए लिक्विडिटी, रिटेलर का पैसा। अभी तक तो आप नॉर्मल पैसा डाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, बट जब आपको दिखेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट होने लग रहा है, यहाँ पे ये नेक्स्ट डे की कैंडल है दोस्तों, जैसे आप चार्ट पे देख रहे होंगे, ये हमारी नेक्स्ट डे की कैंडल है, यहाँ पे गैप अप लिया, तो एज अ रिटेलर मैं यहाँ पे सोचूंगा कि मार्केट ने पिछला पैटर्न ब्रेक कर दिया, ये जो पैटर्न बना हुआ था मार्केट में, ये मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है एक गैप अप के साथ, अब मैं बिंदास बाइंग कर सकता हूँ, एक सॉलिड मोमेंटम ऊपर की तरफ का आएगा। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, रिटेलर का पैसा चाहिएगा ऑपरेटर को अपनी बड़ी पोजीशन बनाने के लिए। देखो, अगर मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, अगर आपका माल कोई खरीद रहा है तो वहां पे कोई सेलर होगा। ठीक है, वहां पे आपको कोई सेल करने के लिए बैठा होगा, अगर वहां पे सेलर नहीं है तो आप कोई भी बाय नहीं कर सकते। तो ऐसे यहाँ पे रिटेलर ने खेल खेला आपके साथ, यहाँ पे क्या खेल खेला, जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे बाइंग की, यहाँ पे बाइंग की और यहाँ पर आपका प्राइस आया, यहाँ पे रिटेलर ने दबा के सेल किया। ठीक है, जो आप लोगों ने बाइंग की थी वो माल किसने खरीदा, वो खरीदा हमारे बिग मनी ने, जो ऑपरेटर्स है ना, जो खेल खेल रहे हैं हमारे साथ, उसने यहाँ पे बाइंग की दोस्तों, यहाँ पे सॉरी सेलिंग की, यहाँ पे बड़े पैसे के साथ सेलिंग की। अब यहाँ पे रिटेलर ने तो सारा पैसा डिप्लॉय कर दिया था मार्केट में, क्योंकि उसको बहुत सॉलिड मोमेंटम दिख रहा था, बट ये सॉलिड मोमेंटम नहीं था दोस्तों, ये था हमारे ऑपरेटर्स का क्या, ट्रैप, ये था हमारा बाइंग ट्रैप। सिंपल, अलग ही दिख रहा है दोस्तों कि मार्केट में कैसे ट्रैप होगा और कैसे आप इसको समझ पाओगे। आप यहाँ पे देखोगे, जैसे ही हमारे रिटेलर ने क्या किया बाय, वहाँ पे हमारे ऑपरेटर ने किया सेल। सेल करने के साथ दोस्तों रिटेलर का यहाँ पे जितना पैसा डिप्लॉय हुआ था, 1,000 करोड़ मान के चलो या 5,000 करोड़,
ठीक है, यहाँ पे क्या किया ऑपरेटर ने, सब माल उठा लिया। अब वो अकेला सेलर बन के बैठा है, रिटेलर के पास पैसा नहीं बचा है, रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर बैठेगा अपना पैसा खत्म करेगा। यहाँ पे ऑप्शन सेल किया दोस्तों, ठीक है, मार्केट को सेल किया ऑपरेटर ने, बाइंग के लिए पैसा आपने दिया था, बाइंग आप कर रहे थे, सेल वो कर रहा था, समझो, आप लोग खरीद रहे थे, वो सेल कर रहा था, हम लोग खरीद रहे थे, ऑपरेटर सेल कर रहा था, उसको पता था अब मैं अपना पैसा डालूंगा और इनके सबके पैसे एक साथ लेके जाऊंगा, जो कि उसने बखूबी किया। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ही रिटेलर ने बाय किया, यहाँ पे तुरंत यहाँ आने के बाद प्राइस ऑपरेटर ने सेल किया, और सेल करने के बाद आप देखोगे कैसे ऑपरेटर ने सेम हमारा पूरा पैसा खा लिया। सिंपल यह होता है दोस्तों, रिटेलर और ऑपरेटर के बीच की लड़ाई। जो वो 10% ऑपरेटर है, उनके पास पैसा इतना है जितना हमारे पास 90% रिटेलर के पास टोटल कैपिटल है, इतना वो 10% ऑपरेटर्स लिए बैठे। अब वो जब 10% लिए बैठे हैं, और मेरे को पता चल गया अब के यहाँ पे मुझे इस तरीके का ट्रैप देखने को मिल सकता है। अक्सर आप देखोगे दोस्तों, जो पैटर्न्स फेल होते हैं, आप कहते हो ना दोस्तों कि मेरा तो पैटर्न इतना स्ट्रॉन्ग बना हुआ था, ट्रायंगल इतना स्ट्रॉन्ग बना हुआ था, पर वो कैसे नहीं चला, वो इसलिए नहीं चला दोस्तों क्योंकि वहाँ पे ऑपरेटर ने आपको ट्रैप किया। जो वो पैटर्न बन रहा था ना, वो ऑपरेटर्स बनाते हैं दोस्तों। जो पहला ब्रेकआउट आता है मार्केट में किसी भी पैटर्न का, ट्राइंगल पैटर्न हो, हेड एंड शोल्डर हो, डब्लू हो, ठीक है, इस तरीके का चैनल ब्रेकआउट हो, तो मैं आपको कहूँगा आप वहाँ पे FIDI यानी कि बिग मनी का चाल देखो किस साइड है। अब आप बोलोगे कि सर चाल किस तरीके से पकड़े, हमें कैसे पता होगा कि FII बाइंग करेंगे या सेलिंग करेंगे। आप ये भी बोल सकते हो दोस्तों कि सर ये पहले नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देके तुरंत ऊपर भी उठा सकते थे, तो इससे आप कैसे बचोगे, इसका आपको कैसे पता होगा। इसका आपको दोस्तों इस हिसाब से पता होगा, अगर मैं कह दूँ आपको कि आप FIDI की बिग मनी की पोजीशन पहले से देख पाओगे कि कल वो क्या करने वाले हैं, तो वहाँ पे आप ट्रैप से प्रॉपर बच पाओगे, और रिटेलर से ऑपरेटर के 10% में शिफ्ट होकर वहाँ पे एक जबरदस्त प्रॉफिट बना पाओगे। और ये एक दिन नहीं, आप डेली करोगे, जिस दिन भी आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे ट्रैप बन सकता है, आपको पता होगा कि वहाँ पे मेरे FIDI की पोजीशन ये है, बाइंग है या सेलिंग है, वो सेलिंग साइड जाएंगे या बाइंग साइड, तो वहां पे आपको पहले से ही पता होगा कि ट्रैप किस साइड होगा, तो आप उस साइड को अवॉइड करके ऑपरेटर के साथ काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करते हैं हम कैसे FIDI की पोजीशन देख पाए। ठीक है, मैं इसको एक बार बैक कर देता हूँ दोस्तों। देखो FIDI की पोजीशन देखने के लिए हमारे पास कई वेबसाइट्स हैं, ठीक है, पर मेजर जो वेबसाइट है मैं बता दूँ आपको, हम करते हैं दोस्तों उसको बोलते हैं स्टॉक एज। ठीक है, हम सिंपली क्रोम पे जाएंगे और वहाँ पे FIDI डाटा सर्च करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे सर्च करने के बाद दोस्तों आप देखोगे, सर्च करने के बाद आपको तीन साइट मिलेगी। मेजर जो पॉपुलर है वो पहली है NSE की साइट, सेकंड है हमारी मनी कंट्रोल की साइट, और थर्ड है दोस्तों हमारी स्टॉक एज। ये आपको चार्ट पे दिख पा रही होगी, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने स्टॉक एज पे क्लिक करेंगे, क्योंकि स्टॉक एज पे हम क्लिक इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, NSE का डाटा कई बार क्लियर नहीं होता है और मनी कंट्रोल एक्चुअल पोजीशन दिखाता है, पर मैं प्रीफर करूँगा कि आप स्टॉक एज पे देखो। इसमें बेनिफिट क्या है इसको देखने का, जो आपको डायरेक्ट दिखेगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कुछ भी। हमने यहाँ पे FIDI का डाटा सर्च किया, आप सीधा डालोगे और आपको सीधा डाटा ओपन हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे हम डे वाइज का डाटा देखेंगे दोस्तों, और आप जैसे आपको पता होगा आज 24 जुलाई है, कि 23 जुलाई को DI ने बाई किया था, वो बड़ी मनी ने बाई किया था, बिग मनी ने बाई किया था, तो आज के दिन पे 24 जुलाई के दिन पे आपको अगर डाउन साइड कोई ट्रैप मिल रहा है तो वहां पे आप खरीदारी करोगे, या अगर 23 को बिग मनी ने, ऑपरेटर्स ने
बड़ी मात्रा में सेल किया था, तो आपको पता होगा कि 24 तारीख को वहाँ पे मार्केट में सेल आएगी और आपको इस तरीके का कोई ट्रैप देखने को मिलता है किसी भी पैटर्न पे, वो चाहे ट्रायंगल पैटर्न हो, इन्वर्टेड पैटर्न हो, हेड शोल्डर हो, कोई भी पैटर्न हो दोस्तों, वहाँ पे आपको क्या होगा देखने को मिलेगा कि आप ट्रैप किस साइड पकड़ पाओगे। अगर आपको वहाँ पे पता होगा कि ट्रैप हमारा डाउन साइड होगा, क्योंकि FIDI की जो पोजीशन बनी हुई थी वो तो डाउन साइड की बनी हुई थी, सेल की बनी हुई थी, या FIDI की जो पोजीशन बनी हुई थी दोस्तों वो बाइंग साइड बनी थी, तो वो सेल साइड ट्रैप करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि पैसा उन्होंने एक दिन पहले ऐड कर दिया मार्केट में। ठीक है, तो उस चीज़ों को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि एक दिन पहले यानी कि आज 24 तारीख है, आज DI या FI ने क्या किया। अगर आज खरीदारी की है तो कल के दिन पे मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, हम आपको सारा दिखा देते हैं, समझा देते हैं कौन सा क्या है। आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, 24 जुलाई, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, उस दिन में मार्केट में क्या हुआ। कैश में FIIs ने, बिग मनी ने 5000 करोड़ की सेल की। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 5000 करोड़ में वैल्यूएशन आ रही है। ठीक है, DII ने क्या किया, 3000 बाई। फ्यूचर इंडेक्स में क्या किया, FII ने 3500 करोड़ की सेल की। वहीं FII ने इंडेक्स ऑप्शन में 64,000 करोड़ रुपीज की बाइंग की है दोस्तों। बाइंग, इसको ध्यान से देखना दोस्तों, ये बाइंग है। उसके बाद FII स्टॉक फ्यूचर ने 3000 की सेल। ओवरऑल आप देखोगे पिक्चर तो हमारी ग्रीन निकल के आएगी, और बहुत बड़ी ग्रीन निकल के आएगी। जी हाँ दोस्तों, तो इससे आपको क्या आइडिया लग जाएगा, इससे आपको आइडिया ये लगेगा कि कल के दिन पे अगर हमको किसी पैटर्न पे मोमेंटम मिलता है, मोमेंटम कर रहा है प्राइस, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक प्राइस ने मोमेंटम दिया था। अब आपको यहाँ पे पता था कि इससे पिछले दिन मार्केट में जो FIDI बिग मनी बाई करके गए थे या सेल करके गए थे, उनकी पोजीशन सेल की ज़्यादा बनी हुई थी, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, वहाँ पे आप पकड़ोगे सेल साइड का सेटअप, सिंपल। और अगर आपको वहाँ पता होगा कि बाइंग क्लियर के गए थे, तो आप वहाँ पे बाइंग सेलिंग ट्रैप से बचेंगे और वहाँ पे ऑपरेटर के साथ बैठ करके प्रॉफिट को ट्रेल करेंगे, प्रॉफिट का मजा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यही है जो ऑपरेटर का जो कड़वा सच है दोस्तों। और जिसको आप पकड़ के चलोगे तो मार्केट में, वहाँ पे आप एक जबरदस्त प्रॉफिट कर पाओगे, एक बड़ा प्रॉफिट निकाल पाओगे सिंपली बैठ करके। जी हाँ दोस्तों, देखो FIDI की चाल जब आपको पता होगी तो आप वहाँ पे ट्रैप से बचेंगे, एक डायरेक्शन मिलेगी आपको। अगर आप डायरेक्शन नहीं कर रहे हो तो आप वहाँ पे जो मार्केट में ट्रैप बन रहा है, आपकी आंखों के सामने एक पैटर्न बन रहा है, वहाँ पे जो ट्रैप करेगा ऑपरेटर, जो आपको क्लियर कट दिखाएगा कि यहाँ से एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट करेगा, तो वहाँ पे आप ट्रैप से बच पाओगे। अगर आपने एंट्री ले भी ली है और वो रिवर्स कर गया, तो आप तुरंत एग्जिट करके ऑपरेटर के साथ बैठ करके एक प्रॉफिट ट्रेल करोगे। जी हाँ दोस्तों, आई होप आपको समझ में आओगे दोस्तों। अगर आप इसको कंटिन्यूअस फॉलो करके चलोगे और मार्केट में बन के चलोगे कि मेरे को ट्रैप पकड़ना है, ऑपरेटर के साथ काम करना है, जो 90% रिटेलर सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, वो नहीं कर सोच करके मेरे को ऑपरेटर के साथ काम करना है। क्या वो 10% लोग क्या सोच रहे हैं, हमारा 90% पैसा छीनने के लिए वो 10% क्या सोच रहे हैं, क्या वो करना चाहते हैं, उस थिंकिंग को मैच करके चलिए। वहाँ पे आप ऑपरेटर के साथ जब ट्रेड करोगे तो आपको एक नेक्स्ट लेवल का मोमेंटम मिलेगा, आपके पोर्टफोलियो में भी, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में भी, आपके बॉडी एनर्जी में भी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपका पूरा रवैया चेंज हो जाएगा जब आप एक दो बार लाइव मार्केट में ऑपरेटर के साथ ट्रैप पकड़ के काम करोगे। दैट्स इट, यही मार्केट का फंडा है दोस्तों। रिटेलर से ऑपरेटर की थिंकिंग में जाओ, वहां पे झांक के देखो क्या होता है। जब आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आप वहां पे कंटिन्यूअस वही काम करोगे जो एक ऑपरेटर करता है। आई होप आपको समझ में आएगा दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसी वीडियो चाहते हो कि जो डीप वर्किंग है, जिसपे मैं काम कर रहा हूँ, जिससे मैं एक प्रॉफिटेबल जर्नी में कदम रखा था, जो ये प्रोजेक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न ये अब काम आते हैं, उस टाइम ये काम नहीं आ रहे थे जब मैं रिटेलर था, तब ये काम नहीं आ रहे थे। जब मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाया, किसकी वजह से, FIDI को
क्रैक करने के बाद, ऑपरेटर को क्रैक करने के बाद जब एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाया, मैं वहाँ पे इंडिकेटर्स की भी सहायता लेता हूँ, जो इंडिकेटर आपके साथ शेयर करता हूँ उनसे भी प्रॉफिट करता हूँ, मैं कैंडल स्टिक से भी प्रॉफिट करता हूँ, मैं पैटर्न से भी प्रॉफिट करता हूँ, मैं प्रोजेक्शन से प्रॉफिट करता हूँ, मैं हर तरीके से प्रॉफिट करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, बहुत सिंपल हो जाएगा जब आप FIDI को क्रैक कर लो। जी हाँ दोस्तों, आई होप आपको समझ में आओगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। आई होप वी विल डू आर बेस्ट फॉर यू गाइज। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग कीप अर्निंग।